और इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है छपरा से, जहां राजद नेता सुनील राय सकुशल बरामद किए गए हैं। दो अपहरणकर्ताओं को पुलिस ने भी गिरफ्तार कर लिया है, वहीं बाकी अपराधियों की गिरफ्तारी का प्रयास लगातार जारी है। हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं छपरा से, जहां 20 घंटे में सारण पुलिस ने सकुशल राजद नेता सुनील राय को बरामद किया है और डोरीगंज थाना क्षेत्र से सकुशल बरामद हुए सुनील राय। आपको बता दें कि बीते अपहरण हुआ था राजद नेता सुनील राय का और उन्हें अब सकुशल बरामद कर लिया गया है। 20 घंटे के अंदर सारण पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां दो अपहरणकर्ताओं को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और इसी खबर पे तमाम जानकारी के लिए संवाददाता मुकुंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकुंद, सारण पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां अपहरण किए गए राजद नेता सुनील राय को महज 20 घंटे के अंदर ही सकुशल बरामद कर लिया गया है। क्या है पूरी जानकारी? ये कल से ही लगातार पुलिस जगह जगह छापामारी कर रही थी जिले से बाहर और जिले में ही, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो बरामद नहीं हो पाए थे और अपराधकर्मी भी गिरफ्तार नहीं हो पाए थे। लेकिन 20 घंटे, सारण पुलिस का दावा है कि 20 घंटे के अंदर बरामद कर लिया गया है सुनील राय, राजद नेता सुनील राय को, और उसमें दो अपराधकर्मी को भी गिरफ्तार किया गया है और अपहरण में प्रयुक्त जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी उसे बरामद कर लिया गया है। जी मुकुंद, जैसा कि दो अपराधियों की भी गिरफ्तारी हुई है, वहीं बाकियों के अपराधी के लिए लगातार छापेमारी है, तो ऐसे में पूछताछ के दौरान क्या कुछ निकल कर सामने आया? अपहरण का मुख्य कारण आखिर क्या फिरौती थी या फिर कोई और कारण था, इसके बारे में कुछ आपके पास जानकारी है? जी देखिए, सुनील राय मुख्य रूप से वो जमीन का व्यवसाय खरीद बिक्री किया करते थे और बताया जाता है कि एसपी सारण ने भी स्वीकार किया है कि वो जमीन का मामला और कुछ लेन देन का मामला था, इसलिए इनकी थी हुई इनको अपहरण किया गया था। जी जी मुकुंद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जैसा कि आपको बता दें कि बड़ी खबर आई सामने छपरा से, जहां राजद नेता सुनील राय को सकुशल बरामद कर लिया गया है, साथ ही साथ दो अपहरण करने वाले आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास जारी है और सारण पुलिस ने ये कार्रवाई महज 20 घंटे के अंदर की है। वहीं डोरीगंज थाना क्षेत्र से सकुशल राजद नेता को बरामद कर लिया गया है।